बहुत ही आसान 10वीं के मैथ की परीक्षा के बाद आजाद पंछी की तरह जब सभी विद्यार्थी आनंद ले रहे थे और बेहद अच्छे नंबर आने का अनुमान लगा रहे थे, तभी मीडिया में आई खबर ने उनके होश उड़ा दिए, जिनमें बताया जा रहा है कि उनका मैथ का पेपर लीक हो चुका है और इसलिए ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इस खबर से सभी विद्यार्थी बेहद ही निरुत्साहित हैं। विद्यार्थी और परिजनों ने इस मौके पर कहा कि उनकी मैथ की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, जिसका जिम्मेवार केवल CBSE बोर्ड है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस परीक्षा के बाद जहां वह एक और अगली कक्षा की एडमिशन की तैयारी कर रहे थे, वहीं अब उन्हें मैथ की परीक्षा की दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थियों ने तो परीक्षा के बाद घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, जिसके लिए वह सभी जरूरी बुकिंग्स तक कर चुके थे, जो अब उन्हें निरस्त करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहां इस परीक्षा के रद्द होने से विद्यार्थी तनाव में दिखाई दे रहे हैं, वहीं अभिभावक भी इस परीक्षा से आहत हुए हैं और उन्हें ये भी डर सताने लगा है कि अगली बार आने वाली परीक्षा अगर कठिन हुई तो उनकी परसेंटेज तो कहीं कम न कर दे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस घटना के जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये CBSE की नेगलिजेंसी है। CBSE को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि इस तरह से की गलती ना होए, क्योंकि आज बच्चों का जो पूरे साल की मेहनत है, बच्चों ने पढ़ाई की थी, रिलैक्स हो गए थे, आज छुट्टी हो गई थी, लास्ट पेपर था, इसकी वजह से बच्चों के बर्डन आ गया, एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है और बच्चे फिर से बर्डन पे आ गए हैं। इसलिए CBSE को आने वाले वक्त में इस तरह से घटना ना होए, इसलिए स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और पेपर बड़ा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। उन्होंने बड़े ईजी गोइंग होके बनाया और ईजी गोइंग होके जो उन्होंने जिसने भी लीक किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई रहनी चाहिए। इसमें पूरे जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्कूल के CBSE के बच्चे हैं, दोबारा उनके ऊपर बर्डन आ गया, माँ बाप के ऊपर फिर से बर्डन आ गया है कि माँ बाप को दोबारा से परेशानी आ गई है कि वो दोबारा अब डेट शीट जब आएगी उनकी दोबारा 15-20 दिन के लिए दोबारा बाइंड अप हो गया। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था, बाहर जाना था, सबका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया और बच्चों को दोबारा मेहनत करनी पड़नी है। मैं तो फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी थी, मुझे जब ये न्यूज मिली तो आई वॉज टेंस्ड। मैथ्स पहले एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए और मेरे लिए भी है मेनली, बट इस बार इजी था, स्कोरिंग था फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आल्सो, इट वाज 90%। पेपर बहुत इजी था बट अब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, आई डोंट नो, आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। एडमिशंस का भी था, बहुत स्ट्रेस था, डेट्स भी फिक्स हो चुकी थी टीप्स के एडमिशंस के लिए, आई थिंक मैसेज आ गया था 2nd-3rd को, बट अब वो पता नहीं कब होएगी, इससे बहुत डिले हो गया क्योंकि प्लस वन के एग्जामिनेशन भी दिसंबर में ही होती है, पता नहीं है। CBSE को थोड़ा इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए और मतलब थोड़ी और वो रखनी चाहिए सिक्योरिटी, जो पेपर वगैरह लीक ना हो उसके लिए, क्योंकि इससे और बच्चे बहुत सफ़र करते हैं।